दिया। नमस्ते नमस्कार, हम हैं आपके चटोरी भाभी, हाजिर हैं आज के हमारे नए प्रोमो के साथ में। अब भैया किसका? अमन सुंदर का। कहानी ऐसी हो गई है कि जहाँ पर भैया एक तरीके से जूही का होने वाला था मुंह दिखाई, और वहाँ पर है ना वो सोनी थमा के चली जाती हैं वो थाली परात, मतलब भैया कपड़े का, कि तुमको यही पहन कर आना है। अब ऐसे में भैया जूही तैयार भी हो रही थी, साड़ी भी उसने पहन लिया था, लोग भी नीचे आ गए थे, वहीं रूही और सारा परिवार उसका अब इंतजार भी कर रहा है। पर ऐसे में ना अब भैया वो तैयार होकर जैसे ही पलट के जाती है, उसकी साड़ी है ना फट जाती है। अब देखा जाए तो भैया साड़ी फटने के बाद में ना वो सोचते हैं कि क्या करें, पर ऐसे में ना वो अपना मॉडर्न वाला भैया वो कपड़ा पहन के काला कलर में उस लहंगा और ब्लाउज मतलब पहन के चली जाती है, जिसके कारण है ना सारे परिवार वाले लोग तो बस बात कर रहे थे कि ये लड़की अभी तक तुम्हारी बहू आई काई नहीं। अब मतलब देखा जाए तो भैया इतना इंतजार करवा रही हो, जिसके बाद में भैया जूही अपनी एंट्री मारती है, और वहाँ पर भैया लोगों के मुँह तो खुले के खुले रह जाते हैं, कहा कि भैया अब ऐसे में जो औरतें आई हैं बाहर की, उनके तो पता नहीं उनकी बहुएँ कितनी संस्कारी हैं। ऐसे में भैया जूही को देख के बोलती हैं कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, देखा जाए तो भैया कोई लिहाज नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कैसे कपड़े पहन के आई है आज अपने मुंह दिखाई पे। जहाँ पर जूही है ना भैया मतलब ये चीज़ के लिए बोल ही रही थी, और ऐसे में देखा जाए तो जूही भी चीज़ के लिए मुंह तोड़ जवाब देती है उनका, और ये चीज़ के लिए भैया देखा तो पूरा परिवार को ही पसंद नहीं आता है। अजय के बाद में रूही को समझा के ना फिर जाती है, बोलती नहीं 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 हम है ना इसको मतलब समझा बुझा कर किसी तरीके से मतलब कि हम इसको तैयार करके लाते हैं। पर वहीं भैया लोगों का फिर से कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में है ना इस चीज़ के लिए रूही समझाती है और बोलती है कि नहीं नहीं तुम माफ़ी मांगो इन लोगों से, और ऐसे में वो माफ़ी मांगती है, जो कि बाद वापस जाती है तैयार करवा के लेके आती है। और वहीं लोगों का ताना आता है कि मतलब देखा जाए तो एक तो भैया एक है चांद और एक पे तुमने बहू, एक जगह जहाँ तुमने चांद जैसी बहू लाई है और एक जगह जहाँ चांद पे दाग वाली बहू लाई है। तो ऐसे में देखा जाए तो भैया रूही तो कुछ नहीं बोल रही थी, जूही बोलने जा रही थी पर उसने रूही ने रोक लिया। पर वहीं पर भैया कोई नहीं बोलता है, तब नाहर आके है ना उसका भैया रूही का साइड लेता है और बोलता है कि आप लोग है ना अपने काम से काम रखिए, कहे कि आप लोग को दूसरों के घर में बहुत ज़्यादा होता है बोलने के लिए। अब ऐसे में देखा जाए तो आप है ना हमारी ये घर की बहू है, बेटी है, हमारी हमारी पत्नी है, तो हम ऐसी चीज़ें ना ही सुनेंगे हमारी पत्नी के खिलाफ। लेकिन बाद में भैया उनको जिसी तरीके से करके भगा देता है। वैसे में दादियों को चिल्लाती बोलती कि तुमने क्या किया नाहर, वो सब लोग भैया हमारे गांव के मतलब हमारे आजू बाजू लोग हैं, देखा जाए तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो सब चार जगह जाके बोलेंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो नाहर कहता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर हमारी पत्नी को कोई बोलेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में भैया एक एंट्री होने वाली है, वो भी कौन, मंजू बुआ की। जी हाँ, एक कितनी खतरनाक होगी वो, तो आप भैया प्रोमो अगला आएगा तब देखेंगे, हम आपको बताएंगे। बाकी नए प्रोमो में ना आज के इसमें यह है कि एंट्री होने वाली है मंजू बुआ की, वो कौन है ये तो आप देखो। हम तब तक के लिए लेते हैं यहीं पे पॉज, फिर आएंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ऐसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाय दिया, राम राम।